जनपद महोबा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का साइकिल रैली के साथ हुआ शुभारंभ, जहां डीएम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। जी हां, आपको बता दें कि पूरा मामला महोबा शहर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सड़क सप्ताह के पहले दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ से अफसर व समाज सेवियों की अगुवाही में स्कूली छात्रों ने रैली निकाली, जिसका शुभारंभ डीएम अवधेश कुमार तिवारी, अपर एसपी वीरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। डीएम के सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं एवं वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और हमेशा हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाएं। क्या संदेश दिया गया बच्चों को कि सड़क सुरक्षा का सप्ताह इस बार 11 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक मनाया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है और यही है भी कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगा करके वाहन से चलाएं, और चार पहिया वाहन के जो हमारे चालक और यात्री हैं सीट बेल्ट का उपयोग करें, जैसे कि हालत में गाड़ी न चलाएं, जब उनको नींद आ रही हो तो गाड़ी न चलाएं, तेज गति से न चलाएं, डिस्टेंट न करें, क्योंकि इससे सड़क में जो हमारे वाहन चालक हैं उनकी घटनाएं होती हैं और उससे जन धन सबकी हानि होती है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य यही होता है कि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से, जैसे आज हम लोग यहाँ से एक रैली, साइकिल रैली निकाल रहे हैं, जिससे लोगों को अवेयर किया जाता है। इसी तरीके से हमारे डेली के कार्यक्रम, कल दूसरा कार्यक्रम है, परसों तीसरा कार्यक्रम है, तो 17 तक ये हमारे कार्यक्रम चलेंगे। आपके माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि लोग जो हमारे सड़क पर चल रहे हैं, जो हमारे नियम हैं, ट्रैफिक के नियम हैं, उसका पालन करें और लोगों को इसके बारे में। महोबा से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता संतोष कौशिक की रिपोर्ट।